हेलो दोस्तों, हिंदी NVI टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के इस कॉपी बटन की एक ऐसी गुप्त सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता है। दोस्तों अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र है तो आप इस कॉपी बटन से क्या करते होंगे, किसी भी मैसेज को सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ कॉपी करते होंगे, इसके अलावा आप कुछ भी इस कॉपी बटन को काम में नहीं लेते होंगे। लेकिन दोस्तों इस कॉपी बटन में एक ऐसी गुप्त सेटिंग छुपी हुई है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी है ये सेटिंग, तो सबसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर आपको एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सभी एंड्रॉयड फ़ोन में एक एप्लीकेशन होती है गूगल ट्रांसलेट, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन सभी एंड्रॉयड फ़ोन में होती है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसे ओपन कीजिए और ऊपर 3 लाइन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ आपको एक सेटिंग मिलेगी टैप टू ट्रांसलेट, आपको इसे ओपन करना है और इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देना है और जो भी परमिशन मांगेगा सभी परमिशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप WhatsApp में आएंगे, अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मुझे एक मैसेज आया हुआ है जो कि इंग्लिश में है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है या आपको कोई ऐसा मैसेज मिला है जो आपकी लैंग्वेज में नहीं है और आपको उसे ट्रांसलेट करना है, तो आप क्या करोगे, उसे कॉपी करोगे, फिर गूगल ट्रांसलेट में जाओगे, फिर ट्रांसलेट करोगे। लेकिन दोस्तों यहां पर आप कॉपी बटन की मदद से WhatsApp के अंदर रहकर ही किसी भी मैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इस मैसेज को मैंने कॉपी किया, ये कॉपी बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का यहाँ पर एक आइकॉन आ चुका है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये जो मैसेज इंग्लिश में था वो यहाँ पर तमिल में ट्रांसलेट हो चुका है। अब यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मैंने इसे हिंदी में कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी मैसेज अगर आप कॉपी करेंगे इस कॉपी बटन से तो दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल ट्रांसलेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके मैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है तो यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर किसी और लैंग्वेज में मैसेज मिला है तो वो लैंग्वेज भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में ये कॉपी बटन कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, मैसेज को सेलेक्ट करना है और नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर टैप टू ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो भी दोस्तों मैसेज ट्रांसलेट हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आप कोई न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे हैं क्रोम ब्राउज़र में या कहीं पर भी जो आपकी भाषा में नहीं है तो वहाँ पर भी दोस्तों आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस मैसेज को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। जैसे मैंने कॉपी किया यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आ गया और मैसेज ट्रांसलेट हो चुका है। तो ये काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।